अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना है सारे ठीक ठाक असो तो अल्लाह ताला नी पनाह चसो। मैं असो ना मेज़बान वकार अहमद और तुसा तक अपना यूट्यूब चैनल दडयाल वाइज व्यूअर्स। आज एक नवे व्लॉग नाल हाजिर होए हां, एक नवी जगह असा आए हां। असा अज जाने पे हां थरोची किले पर, ए है गुलपुर ने मकाम पर कोटली जो अच्छो तो यहाँ कोटली वाले पास खब्बे पास सड़क जानी है, डड़ियाल वाले पास अच्छो तो सज्जे हथ वाले पास सड़क जानी अपर। असा आया कि इतों पहले अपना इंट्रोडक्शन कराँ ताकि ना तो कि जगह भी साल कि कितनी औखी जगह है इतना। असा बेसिकली वो बुनू आए हैं, सड़क काफ़ी कच्ची सी और इतों अगर सतको तो बुन सारे घर मारा कि मेरा मेन साल जी सकता तो सारे घर नीचे बहुत अच्छा व्यू पेश करने पे। धुप होने के बावजूद इतना बहुत ठंडी हवा आया, सोहनी हवा आया और पुरफजा मुकाम आया ना। अस आप कि हूँ खरसा थरोची किले पर तकसा वास्ते कोई बंदा अगर लभी गया तो असा कि इसने बारे च क्या क्या मालूम देने हूँ। जल्ले अस किले पास हूँ अस जाई रहे हैं किले आले पास, बिल्कुल तंग जहा रस्ता आ, निकी जी सड़क है, अगर दो गड्डियां आई जान तो बड़ा ओहा मतलब कुछ कुछ की पास करने क्योंकि राइट साइड जी ना पहाड़ी है, लैफ्ट साइड खाई है, तो वह आने उन्हें कि अगे खाई तो पिछा शेर जहाँ तो जहाँ केरे पास है। लेकिन सारा कम होना अल्लाह तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा इंसान होना चाहिए ना, इंसान कदे भी मार नहीं खाना, होना हुआ है जो रब बारी ताला की मंजूर होना है। हूँ अस कि अपर जाइए ना तो बाकी सासा किले ने मनाजर क्योंकि यह सड़क इतना बड़ी तंग जी है तो गड्डी भी ड्राइव करनी तो हूँ जा रहे हैं किले आले पास। गड्डी तो असा खिलाई उड़ी लेकिन क्या गड्डी सारी अगे जानी नहीं सी। असा हूं पैदल रस्ता इख्तियार किया क्योंकि बहुत दुशवार गुजार रस्ता इतना ही असा एक बुजुर्ग लभी गए। हाँ जी एक बुजुर्ग भी असा की लभी गए तो इन्हें भी उपर जाइए गल कर सा कि मालूमती गल बस अस आखिर कल्ले जाने जो चाचे और नाल गिन जुले हैं बहुत दुशवार गुजार रस्ता आ। तो किला तो कोकड़ी जगह उपर बड़ी हाइट है जी, बड़ी हाइट है तुरने टुरने असा थोड़ा थोड़ा चढ़ना पे सा किले तो जाने पे सा। लेकिन असा ने जो रात बुजुर्ग लभी गए ना तो पहले तो नौक पता करना है कि इन्होंने ना क्या आया बाबा क्या ना आया ना? मारा नाम मोहम्मद बशीर, मोहम्मद बशीर ना 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 इन्होंने ना आया। असा इन्हें कि आया चलो असं किले नहीं करासो सैर चने चने सब चढ़ी जाना इन्हें अस बजुर्ग बाया कि इतना एक जिंदा पीरनी दरबार है तो असा आया चलो बाबे को कि ना इस दरबार ने बारे पूछा जाए मालूम किन्नी जाए बाबा बहु इस दरबार ने बारे इस फजीलत ने बारे च इन्हें जे दरबार इन्होंने को हथा च अल्लाह ने जात क्या क्या करामात दी। अल्लाह ने जात बड़ी हिकमत बड़ी करामात सी, इन्हें वालिद साहब जो है ना अच्छा इन्हें बकरियां रखी सारा जमाना बकरियां चार रहे से। अच्छा एक दिन होया तो ये बकरी जड़ी है वो शेर पौड़ी है, बकरी शेर पौड़ी शेर की नहीं है। अच्छा अच्छा शेर खड़ी खोड़ी तो नहीं है, खोड़ी खोड़ी क्या होनी है गार गार बड़ी है ना। वालद नी सख्ती भी हुई ना एमें नाले से अह जाओ मोड़ी आन बकरी बकरी मोड़ी आन मोड़ी आन जिथे भी है बकरी तू आन शेरा को मोड़ी क्या बात है इतू गए जे शेरा जी कन्ने च पकड़ा आने वाल साहब ने मुँह गया तेरा पूछो क्या खा दी इस लंघने से बावे है जा जी ने जिन्हें घर कोई जा तू मैं मोजे दसना ये उन्होंने कमर गया इतने कोई ऐसा थले टलने रे हाथ उपर सजा दिखती है रहा उन्होंने इधर इस तरह। अच्छा जमीन ने बिच दसने रे नीचे जाने रे नीचे जाने रे वाल नहीं बुधवा जा तू जीना दफन हो जासे ये फिर ओ इथे ओ दफन होइए फिर ओ आथी थला चला गया ये चार दीवारी ने बटे ये इतना ये चार दीवारी एक मारना मिस्त्री उन चार चार दीवारी जाता ये आप वो इथे के देर से बाद कोई इस पासा चढ़े यहां लता सारी भी डिंगियां सीधियां पेनिया ने लेकिन भारी रास्ता आया दाद देने इन बुजुर्गों की तेरी उम्र ने इस सच सारे शाना बिशाना बल्कि सारा मुकाबला करीता है चलने पे शायद तो तेज चलने पे सारे तेज चलने मी साह चढ़ गया बाबे ने साह माशाल्लाह उत्थे ही है ए बाबे जरा घ्यो दुध मक्खन जनाब वाला हालत सौदे खा दे उन्हें कि देने पे कम फिर मुश्किल तो पुजी आए हैं तोड़ जा ना पुजे असा दुशवार गुजार रस्ता तो कड़ी आए हैं उन्हें आई गया किले नियाँ पौड़ियाँ आफरीन है उस
दौरनी फौजा की भी बेशक किले च रहने मकसूर सन या किले च रहने सन उस फौज की या उस फौज की जेड़े इत्थे हमले करने सन। इत्थों अगर तक्की सको बिल्कुल कंधा एक फ्लैट नुमा कंधा है। इत्थों पुराने दौर च इत्थे मंजनीकां होनियां सन। मंजनीकां दा मतलब यह होना इन्हें बड़े बड़े पत्थर नी मशीनां च पाई ते सटने सन। अगर बुनू को बंदा छना सी ते पत्थर सटने सन। पत्थर तो उस तो बाद धारी खिंचे के गर्म पानी उपर डोले जाना सी। हां गर्म पानी भी डोले जाना सी। तीरां ना भी इस्तेमाल कीता जाना सी। तीर इस्तेमाल करने सी। किसने लोग उपर इथा ये फौज जिसनी सी किले फतह करनी सी मोहम्मद बिन कासम हालिद बिन वलीद इसलिए ने जंगजुआ की सलाम है जिन्हें किले फतह किए तो और तारीख भी हमेशा वास्ते अमर हो गए। हूँ असा पौड़ियाँ चढ़ी तो जुस्सा उपर लेकिन सब तो ज्यादा अफरीन है सारे इन्होंने बजुर्गों की जेडे बजुर्ग सारे जैजे शाना बशाना पता लगना इन्होंने खुराकों माशाला उस दौर में भी बहुत अच्छी सन। तो बाबा उन्होंने भी माशाला दो रोटियां देसी देसी घ्यो खाने लेना जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अस आखिरकार किले में एंट्री पॉइंट पर पुजी आए हैं। उन्होंने मेन दरवाजा वेलकम ही लिखा हुआ ने बेसिकली व्यूअर्स अगर तक जाए यह जरा बनता हुआ पेड़ यह ना सब तो पहला इन्होंने हिफाजती इसार होना इसार ना मतलब जगह जितने दिफा करने अतू तकी सकने ना कि बुना नीचे तू कौन आई रहा किस तरह आई रहा प्यादा आई रहा हेलीकॉप्टर जहाजा ने तो दौर तक थ्या कौन सी ठीक है कोई है जी ऐसी टेक्नोलॉजी। दूसरा है हाजी साहब के प्रेस बेल नो टक नीचे बेल प्रेस कर सो हाँ जी फिर उस तो बाद चलो अंदर बंदा आज सी व्यूअर्स किले तक पुजी आए सा लेकिन किले की असा काफी देर हो गई नाक करने बाहर तो खुले वा लेकिन अंदरू जरा ना इसकी ताला लगा वा असा अड्डी देर हो गई बेल भी करने वा ये आने के इतना तुसा प्रेस बेल नो टुक टुक ठक ठक ना करो बेल करो लेकिन इतना ने लोग भी इसे पता ना कुछ भी जगह असा कितने सुस्त जे लोग हाँ और अपने ही सोचने हैं कुछ ने ना सोचने ना ये नहीं सोचने पे कितना एक दुशवार कठिन रस्ता इख्तियार करीता है तो उन्हें दरवाज़ा अंदरू खुलना को नहीं पिया तो हूँ अस इन्हें बुजुर्गों को पता करने कि इस किले की हिस्ट्री क्या है तो यह तो जहर महाराजे रहने सन मसलन बम्मा फैमिली रहने सन या क्या क्या सिस्टम जंग होया ना महाराजे सन पंडित सन ब्राह्मण सन हिंदुस्तानी फौज सी पहले अच्छा हिंदुस्तानी फौज सी ताला रोज ही लगा होना या अज लगे अच्छा हाजी साहब तुसा तको के पत्थर तको कि कितने पत्थर महारत नाल तराशी ते पता अजकल जी इट और बलाक नी चिनाई है ना सर ओ ए उस तो भी लाजवाब हुई भी है बहुत ही आला किस्म की चिनाई है। हाजी साहब ए इसनी फाउंडेशन देखो ना जी उस दौर ने कितनी लाजवाब फाउंडेशन है। मैं ना के फाउंडेशन ने बहुत कमाल नी सी बहुत क्लास ने कारीगर सन हुनरमंद सन सर इन जगह वास्ते भी इन्होंने खास खास जेरे जेरे होने मिस्त्री इस तरीके ने होने तो को एक किसी बटिया ने स्ट्रेट सोनी कंध चाड़ी भी और इस तू बड़ी इमारत उन्होंने तको तो नीचे है इसनी पहाड़ी है पहाड़ी तको कुसै वेला भी ढेई सकनी लेकिन क्या यार इन्होंने इतनी इमारत बंदा भी खलने जा कोई इतना ना सीढ़ी लगनी ना कख तो ना कहाँ लेकिन इन्हें फिर भी देखी उन्हें इसकी पूरी इस किले की खिलाया और इतनी मजबूती ना इतना अरसा हो गया अजय इसकी कोई त्रेड़ भी नहीं पी तो को कहीं जलजले इसने पहाड़ियाँ होनिया सिड़की जानियाँ इतनी बुलंदी पर एक किला आया कि साबिक होनी लेकिन अजय जी ये अपना किला अपने वजूद सलामत रखी तक करता हुआ
ते बाबा भी बथेर मेहनत करने पे, लेकिन कोई ऐसी कामयाबी नहीं हुई चाची। अभी बस बहुत प्यारा मंजर है, अगर लता असांगी साना साथ देनी है ना तो जरूर इस किले पर अचो, बहुत प्यारा मंजर है अला। तो हवा भी बहुत ठंडी ठंडी है, अच्छी तरह मजा आई जाना। तो इस सालने नीचे आले मनाजर ते की है जी किले निकलता दूई साइड में, इस रस्ते अस आए हैं तो इस रस्ते साइड किले की साइड तक सकने। हाजी जी हिम्मत करी ना तो एक बार हथ खलो ना उपर, जितने मैं खलता ना खोलो तो थोड़ा अपने असाब कंट्रोल रखो, कोई नजर रचना ना नीचे नीचे यकीन करो इतना खौफ लगना, इतनी गहराई पर है ये जड़ी हाइट पर ऊंचाई पर है तो ये किला हाइट पर है तो मतलब नीचे तो कौन आता यकीन करो सिर ही है फिर तो पता लगना मैं खलता भी इधर ही हाँ, मैं टवान पहले गोडे तक साथ देना कुछ हद तक मैं अपने आप की कंट्रोल कर सका। तभी वो असा नाथ के इंसान इजाजत सकूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखे है, नेक दुआएं याद रखे है, अल्लाह सुनने वाला है।